तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियांक त्यागी ब्लॉग में। तो आज मैं लेकर आया हुआ हूँ आप लोगों को गाजियाबाद के गोविंदपुरम में। एक बहुत ही फेमस आजकल चल रहा है, एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अंबे रेस्टोरेंट के नाम से, और जो कि 100% प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और मल्टी कुजीन है। काफ़ी सारी अलग अलग डिशेस सर्व करते हैं, इंडियन, चाइनीज, और बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू है इनका, काफ़ी लंबा चौड़ा मेन्यू है। तो सारे के सारे तो हम कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ प्रिपरेशन वगैरह दिखाते हैं, सब चीज़ें दिखाते हैं कि कैसे प्रिपरेशन हो रही है, क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ इनके यूनिक आइटम्स को हम ऑर्डर करेंगे, उनको खाते हैं, उसका टेस्ट आपके पास पहुंचाते हैं। तो बिना कुछ देरी करे चलते हैं, जो ऑनर साहब हैं उनसे बातें करते हैं और प्रिपरेशन दिखाते हैं और टेस्ट आपके पास चलाते टेस्ट आपके पास पहुँचाते हैं बिना किसी देरी के। आइए ब्लॉग को शुरू करते हैं। मेरा नाम तो मोहित है जी। जी, आप कहाँ से भी हैं? मैं लोकल गोविंदपुरम से हूँ। गोविंदपुरम का जो जी, ठीक है। और क्या क्या है अपने पास में ये अपने रेस्टोरेंट पास इंडियन है, तंदूर है, चाइनीज है में? अच्छा, जी, तो सारी पिज्जा है। वैरायटी है, पिज्जा हाँ, वगैरह पिज्जा सब। वगैरह सब है। तो भैया काफी ज्यादा नाम सुना हुआ है आज के डेट में। कितना टाइम हुआ है? 2 ईयर दो अराउंड। साल हाँ, 2 साल के तो दो आसपास है साल के हिसाब से आपने काफी अच्छा नाम वगैरह कर दिया कि जी। काफी फेमस है गोविंदपुरम के अंदर। जी, और किसी से पूछो कहना है कि आपकी बेस्ट जहाँ की चीजें खानी है, बेस्ट आपको इंडियन कुजीन में से कुछ खाना है। और आपका सुनने में कोई प्लेटर भी है, बहुत बड़ा फेमस चल जी, रहा है, मेरे तो पास चाइनीज प्लेटर भी है, फिजलर जी। भी है, चाइनीज भी है, चाप प्लेटर भी है अच्छा, जी। और जो आपके चाइनीज प्लेटर है उसका और जो चाप प्लेटर है उसकी क्या क्या कीमतें भी हैं? तो चाइनीज प्लेटर है वो 180 है, अच्छा और जो चाप प्लेटर है वो 250 है। अच्छा इसमें पीसेस कितने होते हैं? इसमें क्वार्टर होते हैं, 2 2 पीसेस होते हैं। अच्छा, टू टू हाँ पीसेस जी, हाँ होते जी। हैं, बहुत बढ़िया। और भाई टाइमिंग और एड्रेस क्या होगा इसका, टाइमिंग जो ऑर्डर मतलब लेना चालू कर देते लेना हैं चालू दोपहर 1 बजे से रात को 11 बजे तक रहता है ग्यारह बजे तक रहता है, जी। मतलब लंच ऑनवर्ड चालू हो हाँ जाता हाँ है लंच में चालू हो रहता और डिलीवरी वगैरह भी करते है, ही है। डिलीवरी, जी होम डिलीवरी भी है जी 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 तो आप हमारे लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि आप क्या आपका टेस्ट अपने दर्शकों के पास पहुंचा सके? आप क्या आप प्लेटर लेटर चेक कीजिए एक बार, उसमें सब चीज़ आ जाएंगी आपको। उसमें आपके परफेक्ट मलाई चाप भी आएगी, अफगानी भी है, मसाला भी है, पनीर जी, टिक्का भी है, स्टफ चाप भी है बहुत ही बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया। तो एक वीक में सारा कुछ हो जाएगा जी जी एक में सब चीज़ मिल जाएगी जी। आपको। ये कौन से वाली है? ये पनीर टिक्का हो गए आपका। ये पनीर टिक्का? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें 2 पीस आते हैं। हाँ जी। पीस आ गया। ये अफगानी चाट हो गया आपका। ओके, अफगानी आ गया। हाँ जी। ओके, अब जो आ रहा है ये है, ये स्टफ चाप हो गया। स्टफ चाप ये कौन सी है? ये हो गए आपको पनीर टिक्का, पनीर टिक्का, ये मसाला चाप हो गए, ठीक है,
ये अफगानी चाँप हो गए, ठीक है। ये मलाई चाँप हो गए, ठीक है। ये स्टफ चाँप हो गए, ठीक है। और ये साथ में इसके साथ ये, हाँ जी, ये सैंपल प्याज है, ये सिरके वाली है, और ये चटनी है, मिर्च की चटनी जी। बहुत मैं आपको सुबह से ये सब दिखा रहा हूँ कि इनकी प्रिपरेशन वगैरह भैया के रेस्टोरेंट पे यहाँ पे जहाँ पे हम आए हुए हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें बनाई जा रही हैं। इस पर चाँप के लिए बहुत ही फेमस जगह है, ये बड़े ही नामचीन है यहाँ पे कि यहाँ की वैरायटी ऑफ चाँप। और भैया ने बोला कि आप चार पांच अलग अलग टाइप की जो चाँप है उनको ना बना करके एक प्लाटर ही बनवा लीजिए और उसके अंदर काफी सारी डिशेज आ जाएंगी, तो उसमें वो सारी की सारी बनाइए और उसे आप खा करके और उसका स्वाद अपने व्यूअर्स के पास पहुंचाइए। तो हम लोगों ने भी यही डिसीजन लिया, तो आप लोगों को मैंने दिखाया ही है कि सारी की सारी चीजें किस तरीके से बन रही है। सुबह से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे वीडियो, तो आप लोगों को दिखाया कि किचन के अंदर कटिंग, चॉपिंग, वॉपिंग, ग्रेवी बनते हुए, सारी चीज फ्राई होते हुए, फिर यहाँ पे भी आपने दिखाया सेटअप वगैरह लगाते हुए, तो पूरे दिन से मैं बना रहा हूँ। तो फाइनली बनाने के बाद फिर मैंने आपको प्रिपरेशन दिखाई है कि हमारी प्लेटर वगैरह किस तरीके से बनाई जा रही है, क्या क्या चीजें हैं। तो उन सब चीजों के बाद में, ये सब चीजें होने के बाद में फाइनली हमारे सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी प्लेटर लग के तैयार हो चुकी है। और जैसे कि आप लोगों ने सबको पता ही है कि कितनी जबरदस्ती लग रही है। तो फिलहाल आपके लिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये जो है ये है इनका पनीर टिक्का, ये है मसाला चाप, ये है अफगानी चाप, ये है मलाई चाप, और ये है स्टफ चाप। जो स्टफ चाप है वो मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि स्टफ चाप मैं बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, तो ये बाकी की तो चलिए खाते हैं। स्टफ के लिए मैं, और ये दिखने में थोड़ी सी यूनिक लग रही है मुझे, तो जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका टेस्ट आपके पास पहुँचाऊंगा, उसका जो टेस्ट है मैं सबसे पहले ये पनीर टिक्के के साथ ही करते हैं। तो ये पनीर टिक्का, तो ये पनीर टिक्का इसको मैंने मिंट के साथ में यहाँ पे अपनी मिंट सॉस के साथ में डिप करके इसको लेते हैं, और साथ में ये एक ऑनियन स्लाइस, फ्रेशनेस में जो है 10 out of 10 नंबर। और जो रही बात क्वालिटी की बनाने की, बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त, मतलब आप जो होता है ना पैसा वसूल, ये 250 रुपए की प्लेट है, पैसा वसूल। पहला ही आइटम चेक किया है, मजा आ गया जिसे कह सकते हैं। चलिए अब इनकी ये दूसरी जो चाप है मसाला चाप, इस मसाला चाप को टेस्ट करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। अब इनकी ट्राई करते हैं अफगानी चाप। तो ये अफगानी बड़ी रिच, क्रीमी, अच्छा खासा इसमें बटर और क्रीम भैया ने डाला हुआ है। वाह, बटर और क्रीम का ना अपना फ्लेवर जो आ रहा है ना, बहुत जबरदस्त आ रहा है और एक्यूरेट डाला हुआ है, जो सबसे अच्छी बात है। अब इनकी ट्राई करते हैं भैया कि ये हम मलाई चाप, तो इस मलाई चाप का टेस्ट पहुंचाते हैं आपके पास है। बहुत जबरदस्त, अभी तक मैंने ये चार आइटम खाए हैं और चारों का जो स्वाद है किसी से भी ऐसा नहीं है कि कुछ सिमिलर है कि जैसा पहला वाला खाया था दूसरा भी ऐसा ही है, नहीं, हर एक का एक अपना अलग स्वाद है और एक मीनिंगफुल स्वाद है। ऐसा नहीं, अगर आप अफगानी चाप खा रहे हैं ना तो आपको अफगानी चाप का ही फ्लेवर आएगा, वरना लोग बनाने के लिए तो कोई कुछ भी बना देता है, लेकिन अगर आप अफगानी का चाप खा रहे हैं तो आपको अफगानी का ही फ्लेवर आएगा। दिखने में लग रहा है कि इसमें ये जो आपको मलाई चाप है इसका फ्लेवर जो आ रहा है वो एक्चुअल मलाई वाला, इतना सॉफ्टनेस, और ये और जो क्वालिटी ऑफ जो चाप है इनकी भैया की, एक नंबर। चलिए लास्ट में ट्राई करते हैं भैया का जो बचा हुआ है, जिसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूं, स्टफ चाप। ये स्टफ चाप लेते हैं, इसका टेस्ट पहुंचाते हैं।
एक होता है खाते खाते मोहित हो जाना, मतलब ये स्वाद ऐसा है ना मुंह में जाके घुल गया। अभी 5 बज रहे हैं, भूख का समय नहीं है लेकिन भूख लग चुकी है। वाह, मेरी तरफ से ये जो जगह है जहां पे मैंने आज आपको टेस्ट पहुंचाया अंबे का, अंबे चाप कॉर्न, मेरे ख्याल से अगर आप गाजियाबाद के जो मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उन्हें हर हालत में अगर वो चाप लवर्स है ना तो उनको ये प्लाटर जरूर ट्राई करना चाहिए। अब मेन्यू तो भैया का इतना बड़ा है कि मैं सारी की सारी चीजें तो आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि फूड का वेस्ट मैं कर नहीं सकता, तो ये भी काफी ज्यादा है। आप देख रहे हैं अगर एक प्लाटर ही है ये भी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। खैर, अगर आप लोगों की रिकमेंड रही और आप लोगों का प्यार इस वीडियो पे मिला तो मैं वादा करता हूँ हमें एक और वीडियो बनाने यहाँ पे आएंगे। उसके बाद जब वो दूसरी वीडियो बनाने आएंगे वो जो मेन्यू होगा इस वाले से टोटली डिफरेंट होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो फिलहाल मैं इस प्लाटर को यहाँ पे खत्म करता हूँ, प्लाटर को खत्म करने के साथ साथ वीडियो को भी खत्म करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग अपना प्यार जैसे बना रखा है ऐसे ही बनाए रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए प्रियांक त्यागी ब्लॉग।